हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में शेफ शिदान। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी। चलिए बनाते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए 5 से 6 टमाटर लेने हैं। टमाटर को छोटे छोटे पीस पर कट कर लेना है। हमें एक पैन लेना है। पैन में 2 से 3 चम्मच सोया ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच हींग डालेंगे। एक चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। 8 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे। एक छोटा अदरक का टुकड़ा डालेंगे। 5 से 6 लहसुन की लौंग डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको हमें सिर्फ सॉटे ही करना है। चार से पांच लाल मिर्ची डालेंगे। दो से तीन हरी मिर्ची डालेंगे तोड़कर। अब हम 3 से 4 रफली चॉप किए हुए प्याज डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें बस सॉटे ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम इसमें रफली चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से हमें सॉटे करना है। 5 से 7 मिनट सॉटे करने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे। अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब हमारी टमाटर की चटनी हो गई है तैयार। अगर आपको टमाटर की चटनी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेफ सिद्धांत।